बैक टू माय चैनल, दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। चलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी होने वाला है, तो एनालिसिस करते हैं मार्केट कल कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, तो कौन से इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सबको जय श्री राम। आज काफ़ी अच्छा दिन है, सब पूरे भारत देश में जो है दिवाली मनाई जा रही है, क्योंकि रामलला की मूर्ति जो है आज स्थापना हो गई है उसकी अयोध्या में, तो सबको बधाई हो। तो निफ्टी में अगर देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन दिखाने की कोशिश कर रहा है। दो तीन दिन से जो है मार्केट गैप अप होने के बाद भी रिकवरी दिखा रहा है, जहाँ तक दिख रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो कल के लिए कौन से इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे आप, ये वाला जो इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि 21,580 का के आसपास का लेवल है, तो यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की है। भले क्लोजिंग जो है थोड़ी सी नेगेटिव दी है, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखेंगे तो ये सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दी है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो कल के लिए जो है हमारे पास मैंने लेवल जो है ड्रॉ करके रखे हुए हैं, जो कि पिछले एनालिसिस वीडियो में भी मैंने लेवल्स आपको प्रोवाइड किए थे, जो कि अभी भी वैलिड है। एक मिनट मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, क्या हुआ इसे। तो अगर कल देखेंगे तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा मार्केट यहाँ से, एक मिनट जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, ये थोड़ा स्लो हो गया है शायद, जस्ट अ मोमेंट। तो मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है 21,570 की लेवल के आसपास, या फिर इस रीजन में ओपन होता है जो कि 630 का लेवल है, 21,630, तो इस लेवल पे अगर ओपन होगा मार्केट और ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, जहाँ से हम कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। जो लेवल है ऊपर की साइड में 21,640 के ऊपर हम बाय करेंगे कॉल ऑप्शन, जिसका फर्स्ट टारगेट जो है 680 का होगा, 21,680 का, और सेकंड टारगेट जो है डे हाई होगा, ये जो फ्राइडे का डे हाई है, सैटरडे का सॉरी, 21,720 का। इसके ऊपर अगर निकलता है, जो कि पॉजिटिव तो दिखा रहा है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है इस लेवल को, दो दिन से 573 का जो लेवल है इसे होल्ड किया है, तो ऊपर की साइड के लिए ये हमारे टारगेट होने वाले हैं। मैं इसे मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, हमारा फर्स्ट सेकंड टारगेट जो है मैं यहाँ पे प्राइस लेवल लगा देता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होता है इसी रीजन में, अगर ओपन होता है और यहाँ पे 5-10 मिनट का कैंडल होल्ड करने की कोशिश करेगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है 21,640 होने वाला है, ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट जो है 680 का होने वाला है, 21,680 का होने वाला है, और जो डे हाई है ये हमारा थर्ड टारगेट होगा 21,730 का, जो डे हाई है ये हमारा थर्ड टारगेट होगा। ऊपर की साइड अगर निकलता है तो फर्स्ट हाफ के लिए, उसके बाद में सेकंड हाफ में अगर कुछ प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा, तो मैं लाइव मार्केट में जो है टेलीग्राम चैनल पे लेवल्स प्रोवाइड कर दूंगा अपर साइड के लिए, और कौन से होने ऊपर की साइड में कौन से लेवल होने वाले वो। उसके बाद अगर देखेंगे नीचे की साइड अगर मार्केट निकलता है, तो ये जो आज का डेलो है 21,540 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर निकलेगा मार्केट या फिर गैप डाउन ही ओपन होता है डेलो के पास, जो कि सैटरडे का डेलो है,
उसके पास अगर ओपन होता है और नीचे की साइड निकलने की कोशिश करेगा मार्केट, तो 21,480 या 450 आप ये लेवल पकड़ के चलिए, 450 का ये लेवल है, ये आपका डाउन साइड का टारगेट होने वाला है नीचे की साइड अगर निकलता है तो। और सेकंड टारगेट जो अगर पकड़ेंगे अपन नीचे की साइड में, तो 400 जो है, 410 से लेके 415 यहाँ तक डाउन साइड का ये लेवल कल के लिए हो सकता है, 414 से लेके 410 ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं डाउन साइड के लिए। अगर इसके भी नीचे निकलता है तो नीचे की साइड जो टारगेट है ये 330 का टारगेट है, और ये फाइनल जो टारगेट होगा 300 का लेवल, ये हमारा फाइनल टारगेट निफ्टी में होने वाला है। तो ये थे निफ्टी के लेवल, चलिए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी जो है दिखा रहा है, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी दिख रहा है जो कि स्क्वीज पैटर्न जो है दिख रहा है यहाँ पे। तो इसके भी जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले हैं, 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको, मैंने लेवल तो ड्रॉ करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला पैटर्न, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है जो कि 46,030 या 46,050 का जो लेवल है यहाँ पे इस रीजन में, अगर मार्केट ओपन होता है फ्लैट और ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये जो डे हाई है सैटरडे का, इसके ऊपर ही हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जो कि 46,200 का लेवल आप पकड़ के चलिए, 180 का है ये, तो 180 से लेके 200 का जो लेवल है इसके ऊपर हम कॉल ऑप्शन बाय करके चलेंगे। और ऊपर की साइड अगर देखेंगे, ये जो ऊपर की साइड के टारगेट है, फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा ये 46,372 का होने वाला है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद अगर देखेंगे सेकंड टारगेट 46,500 होगा, उसके बाद में थर्ड टारगेट जो है 46,760 का, ये जो है ये हमारा थर्ड टारगेट होने वाला है बैंक निफ्टी में, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो। जहाँ तक दिख रहा है ये पैटर्न जो है स्क्वीज पैटर्न, यहाँ पे अगर देखेंगे आप इस तरीके से पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो इसका इस पैटर्न का जो है ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये ऊपर की साइड के टारगेट होने वाले हैं, और फ्लैट ओपन होके अगर नीचे निकलने की कोशिश करता है मार्केट, 1 मिनट ये क्यों हो रहा है ऐसा, नीचे की साइड अगर लेवल देखेंगे, थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है मेरा पीसी के, शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो नीचे की साइड अगर देखेंगे तो फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट नीचे की साइड निकलने की कोशिश करता है, तो नीचे की साइड जो है हमारे टारगेट होने वाले हैं ये जो 47,000 45,475 जो है, इसके नीचे ही हम बेरिश पोजीशन बनाएंगे। और नीचे की साइड अगर टारगेट देखेंगे तो 45,020 का जो लेवल है, ये हमारा जो गैप रीजन पेंडिंग है, यहाँ पे मैं 15 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये गैप जो पेंडिंग है बैंक निफ्टी में, ये नीचे की साइड का हमारा टारगेट होने वाला है, जो कि बीच में कुछ भी नहीं मार्केट को रोकने के लिए 45,000 तक। तो नीचे की साइड ये वाला टारगेट हमारा होने वाला है 45,000। ये एक ही टारगेट है जो नीचे अभी तक गैप रीजन जो पेंडिंग है, ये वाला एक टारगेट है 45,000 का, तो ये नीचे की साइड हमारा टारगेट होने वाला है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की साइड निकलता है। क्योंकि ये वाला जो स्क्वीज पैटर्न जो बन रहा है, ये तो बुलिश दिख रहा है जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो बुलिश दिख रहा है जो ये जो पैटर्न है, तो
देखो यहाँ पे जो है 45,000 से 45,970 से लेके 45,000 तक जो, सॉरी 45,480 से लेके 45,000 तक, ये जो 400 पॉइंट का जो रीजन है, यहाँ पे कुछ भी मार्केट के पास रोकने के लिए सपोर्ट नहीं है, तो ये वाला गैप रीजन हमारा फिल हो सकता है आने वाले इंट्राडे पोजीशन इसमें कल के लिए, या नेक्स्ट डे के लिए भी ये टारगेट हो सकता है अगर मार्केट होल्ड करता है और नीचे हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है, तो ये वाला टारगेट हमें एक दो दिन में आने वाले टाइम में देख सकते हैं, देखने को मिल सकता है। और ऊपर की साइड अगर देखेंगे तो ये जो डे हाई है जो कि 2-3 दिन से डे हाई 46,180 का, इसके ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें दिखा सकता है ऊपर की साइड में। तो फिन निफ्टी का एक्सपायरी कल होने वाला है, तो फिन निफ्टी का भी हम एक बार देख लेते हैं। फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जैसा एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको। तो फिन निफ्टी में अगर देखेंगे तो ये वाला जो पैटर्न है, जैसे बैंक निफ्टी में पैटर्न बन रहा है, सेम फिन निफ्टी में भी बन रहा है। तो फिन निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो है हम मार्क कर लेते हैं, कल के लिए एक्सपायरी होने वाला है फिन निफ्टी का। अगर फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस डे हाई के ऊपर अगर निकलता है, जो कि मैं मार्क कर लेता हूँ एक बार इसे, ये वाला अगर डे हाई निकलता है मार्केट 21,610 का, तो इसके ऊपर हम बाय पोजीशन करके चलेंगे, जो कि हमें लेके जाएगा फर्स्ट टारगेट जो है हमारा वाला होने वाला है 680 का। मार्क देता ये वाला जो है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा फिर निफ्टी में 683 का। इसे भी प्राइस डिपेंड कर देता हूँ एक बार, ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट अगर देखेंगे तो 742 को हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है, ये वाला जो डे हाई है, ये हमारा होगा सेकंड टारगेट फिर निफ्टी के लिए। ये वाला होगा 740 जो है, 21,742 का जो है, ये हमारा थर्ड टारगेट होगा। और इसके ऊपर अगर निकलता है कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने अगर मिलता है, तो ये हमें लेके जाएगा यहाँ तक, जो कि ये हमारा फाइनल टारगेट होगा 800 का, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की साइड अगर निकलने की कोशिश करता है, जो कि ज़्यादातर उधर की साइड ऊपर की साइड ही हमें पॉसिबली ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये पैटर्न जो बन रहा है उसका ब्रेकआउट अगर होता है, तो ये हमारे ऊपर की साइड के टारगेट होने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट जो है इसके ऊपर अगर डे हाई अगर निकालता है मार्केट, और यहाँ पे कुछ हमें 5-10 मिनट कुछ क्लोजिंग अच्छी तरीके से मिलता है, तो ये 21,680 का ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 21,742 जो है ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, और 20,816 जो है ये हमारा थर्ड टारगेट होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, जो हमें कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन अगर देखने मिलता है कुछ इस तरीके से, और फिर पुल बैक करके जब नीचे आने की कोशिश करेगा, तो हम ये जो डे लो है जो कि 21,200 का है, यहाँ तक के भी हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट बेरिश होता है तो। और ऊपर की साइड जो है ये मैंने लेवल आपको प्रोवाइड कर दिया है, और नीचे की साइड की भी मैं लेवल एक बार मार्क कर देता हूँ, नीचे की साइड भी अगर मार्केट आता है तो हमें कौन से टारगेट देखने मिल सकते हैं। ये होगा हमारा 360 जो है, एक टारगेट हमें नीचे की साइड देखने मिल सकता है 20,360, ये हमारा टारगेट होगा अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो। यहाँ पे 21,500 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है और यहाँ से नीचे निकलने की कोशिश करेगा, तो ये वाला जो है हमारा टारगेट होने वाला है
उसके ये वाला 500 का जो लेवल है, ये अगर ब्रेक करता है तो मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ। इसके नीचे ही हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे 500 के नीचे, तो हमारा ये जो टारगेट है, ये जो गैप पेंडिंग है यहाँ पे हल्का सा, अगर देखेंगे आप यहाँ पे टच नहीं हुआ है गैप जो पेंडिंग है, ये हमें देखने मिल सकता है 500 के नीचे जो है 360 का एक टारगेट हमें देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो और भी टारगेट है जो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो सपोर्ट है 300, ये हमारा होगा फिर नेक्स्ट टारगेट 20,360, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा अगर नीचे आता है तो, बेरिश मार्केट बनता है तो। और फाइनल टारगेट जो है ये जो डेलो है यहाँ पे, इस पैटर्न का जो लो है ना, ये वाला भी हमें आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कल ही हो, लेकिन ये टारगेट भी आप मार्क करके रख सकते हो जो कि आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसके सब इम्पोर्टेंट लेवल्स। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या पहली बार आए हो, तो ये मेरा चैनल है जो कि गोल्डन बुल्स नाम से, ये मेरे चैनल का इंटरफेस है। आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के एनालिसिस वीडियो आपको डेली मिलते रहे। और यहाँ पे अगर देखेंगे हम कुछ इंट्राडे के लिए स्टॉक्स देते हैं, कुछ मल्टीबाय का स्टॉक्स होते हैं, कुछ एनालिसिस वीडियो होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए भी हम यहाँ पे स्टॉक के एनालिसिस वीडियोस भी डालते हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पे अगर देखेंगे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो राइट हैंड कॉर्नर में ये जो आपको QR कोड दिख रहा है, इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम इंट्राडे लेवल्स भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ निफ्टी के कॉल्स भी हम प्रोवाइड करते हैं जो कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, और स्विंग के लिए मल्टीबैगर स्टॉक जो है ये भी हम यहाँ पे लेवल्स शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमने आरती इंडस्ट्रीज़ दिया था सैटरडे के दिन 10:45 में, तो मैंने 664.65 पे बाइंग दिया था उसका, और ये सेल अगर देखेंगे तो सिर्फ 4 से 5 पॉइंट का था, और उसने अगर देखेंगे आप हाई जो है 18 पॉइंट हमें गेन देखने मिला है, 683 का इसने हाई लगाया, जो कि मैंने सब ये वाला जो मैसेज भी मैंने किया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका चार्ट, तो मैंने इसका जो है यहाँ पे बाइंग दिया था 64 से 65 यहाँ पे बाइंग दिया था, और आप देख पा रहे हो ये वाला पूरा मूव जो है मैंने कैप्चर कर रहा था, जिन्होंने भी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे देखा होगा, तो काफ़ी अच्छा इंट्राडे के लिए स्टॉक्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं ये वाला जो QR कोड है, इसे आप मोबाइल से स्कैन करके। तो आज के लिए इतना।